सब्सक्राइब कीजिए कैरिंग यू ऑनलाइन हिंदी चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकॉन इसी तरह की हेल्थ और ब्यूटी टिप्स रेगुलर बेसिस पर देखने के लिए। आज मैं एक ऐसा वीडियो लेकर आई हूँ जिसके लिए आप सभी काफ़ी दिनों से रिक्वेस्ट मुझसे कर रहे थे और जो कि एक बहुत कॉमन समस्या है बच्चों में, और वो है सिर में जू हो जाना या हेड लाइस का हो जाना। ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसका सामना हर बच्चे को कभी ना कभी करना होता है, और जो एक बार अगर बच्चों के सिर में हो जाए तो फिर उससे छुटकारा पाना बहुत मुश्किल लगता है। तो मैं आज आपको एक ऐसी रेमेडी बताने वाली हूँ जिसको अगर आप यूज़ करते हैं तो डेफिनेटली आपको बच्चों के सिर की जो जू है उससे छुटकारा मिलेगा, और इसके साथ ही जू की वजह से बच्चों के जो बाल डल हो जाते हैं, रूखे सूखे से दिखने लगते हैं, रूखापन खत्म होकर उनमें चमक भी वापस आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले इंग्रेडिएंट से, और इंग्रेडिएंट में जो पहला इंग्रेडिएंट है उसमें शामिल है प्याज का रस। प्याज का रस बहुत अच्छा माना जाता है जू को मारने के लिए। जब आप इसको सिर में लगाते हैं तो ये जो जू होते हैं और उनके जो अंडे होते हैं जिन्हें लीक कहते हैं उनको मारकर सिर से बाहर निकालता है। साथ ही इसकी जो स्मेल होती है वो भी ऐसा माना जाता है कि जू के लिए बर्दाश्त के बाहर होती है, और इसकी वजह से जू जब आप इसको सिर में लगाते हैं तो जू बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं। तो पहला इंग्रेडिएंट मैं ले रही हूँ प्याज का रस, जो कि जू को मारने में बहुत अच्छा काम करती है। इसके अलावा जो अगला इंग्रेडिएंट है वो है एप्पल साइडर विनेगर। एप्पल साइडर विनेगर भी बहुत अच्छा काम करता है जू को मारने में। जब आप इसको प्याज के रस के साथ मिलाकर बालों में लगाती हैं तो ना सिर्फ ये आप बच्चों के सिर के जू को मारेगी बल्कि इसके अलावा बालों की जो खोई हुई चमक है, जो बालों की स्मूदनेस है जो कि रफनेस में बदल जाती है, उसको भी फिसलाएगी। तो यहाँ पर दूसरा इंग्रेडिएंट मैं ले रही हूँ एप्पल साइडर विनेगर। इसके अलावा जो अगला इंग्रेडिएंट है उसमें शामिल है थोड़ा सा बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा भी बालों में जू निकालने में बहुत अच्छा माना जाता है, बालों की जो गंदगी है उसको साफ करता है, साथ ही जो छोटी छोटी लीक जो जू के अंडे होते हैं बालों में उनको मारने में बहुत अच्छा काम करता है। बेकिंग सोडा की वजह से वो पूरे साफ हो जाएंगे, मर जाएंगे और मरकर बालों से बाहर निकल आएंगे। तो तीसरा इंग्रेडिएंट है बेकिंग सोडा। अगला जो इंग्रेडिएंट है उसमें शामिल है टी ट्री ऑयल। टी ट्री ऑयल में ले रही हूँ यहाँ पर इसकी एंटीसेप्टिक एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ की वजह से। अगर छोटा मोटा इन्फेक्शन बालों में है, कई बार बच्चों के बालों में बहुत ज़्यादा पसीना आता है और उसकी वजह से सिर में जू पड़ जाती है, तो उस केस में टी ट्री ऑयल जो बालों का पसीना है उसको कम करने में बहुत अच्छी हेल्प करेगा, और उसकी वजह से जो थोड़ा बहुत इन्फेक्शन बालों में हो गया है उसको निकालने में बहुत अच्छा काम करेगा। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ टी ट्री ऑयल। इसके अलावा जो अगला इंग्रेडिएंट है उसमें शामिल है लेमन ऑयल। लेमन ऑयल भी बालों का जो पसीना है उसको कम करेगा, चिपचिपाहट कम करेगा, और अगर बालों का पसीना जू का कारण है तो उसको ठीक करने में बहुत हेल्प करेगा। यहाँ पर अगर आपके पास लेमन नहीं है तो आप फ्रेश नींबू के 8 से 10 बूंदें भी शामिल कर सकती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी रेमेडी को बनाना, और इस रेमेडी को बनाने के लिए मैंने जो प्याज का रस लिया है लगभग 4 टीस्पून यहाँ पर मैंने लिया है, जो ऑलरेडी मैंने निकाल कर रखा हुआ है। प्याज का रस निकालने के लिए आप उसको ब्लेंडर में ब्लेंड कर लें और फिर उसको किसी छन्नी से या हाथ से दबाकर या किसी कपड़े में रखकर जब आप दबाएंगे तो उसमें से आपको ये रस निकल आएगा। काफ़ी अच्छा रस प्याज का निकलता है। तो यहाँ पर लगभग 4 टीस्पून मैंने प्याज का रस लिया है और इसमें लगभग 2 टीस्पून में एप्पल साइडर विनेगर मिलाने वाली हूँ। ठीक है, 2 टीस्पून एप्पल साइडर विनेगर और बेकिंग सोडा की 1/2 चम्मच आपको यहाँ पर लेनी है। ये लीजिए लगभग 1/2 टीस्पून, हाफ से थोड़ा कम ही लेना है, ज़्यादा नहीं लेना है। ये मैंने इसमें मिलाया और इसके बाद टी ट्री ऑयल की 8 से 10 बूंदें मैं इस रेमेडी में मिलाऊंगी। ये लीजिए 8 से 10 बूंदें मैंने डाली टी ट्री ऑयल की, और लेमन ऑयल की भी लगभग इतनी ही बूंदें मैं इस रेमेडी में डालूंगी। लीजिए 8 से 10 बूंदें मैंने इसमें डाली। अब सारी चीज़ों को आप आपस में मिला दें और ये आपकी रेमेडी जू के लिए बिल्कुल बनकर तैयार है। ये लीजिए सोडा की वजह से इसमें थोड़ा सा ये फैन निकल रहा है जो कि धीरे धीरे सेटल हो जाएगा, और आपकी ये रेमेडी बिल्कुल बनकर रेडी है।
अब आप इसे अपने बच्चों के बालों के सिर में लगाएं, जड़ों में अच्छी तरह से लगाएं और लगाकर मसाज करें। कम से कम 5 से 10 मिनट के लिए मसाज करते रहें और फिर इसको अगले आधे घंटे के लिए बालों में ऐसे ही छोड़ दें। अगर बहुत ज़्यादा झुकी समस्या है तो आप इसको रोज भी यूज कर सकती हैं या फिर एक एक दिन छोड़ कर यूज कर सकती हैं और फिर मेंटेनेंस पर्पज से बच्चों के सिर में आप हफ्ते में एक बार इस रेमेडी को जरूर यूज करें, जैसे कि अगर बच्चों के बालों में जू होने की किसी तरह की संभावना है तो वो भी इससे खत्म हो जाएगी। इसके साथ ही अगर आपके बच्चे बहुत ज़्यादा प्रोन है जू होने के लिए तो आप हमेशा अपने बच्चों के सिर में नीम का तेल लगाते रहें। अगर आप रेगुलर बेसिस पे नहीं लगा सकते तो फिर हफ्ते में एक बार या फिर हफ्ते में दो बार या फिर किसी और ऑयल के साथ मिलाकर, जो भी ऑयल आप बच्चों के सिर में लगाते हैं, चाहे कोकोनट ऑयल लगाते हो, चाहे ऑलिव ऑयल लगाते हो, जो भी ऑयल आप अपने बच्चों के सिर में लगाते हैं उसमें नीम का तेल मिलाकर आप लगाते रहें। इसके साथ ही अगर आप नीम की हरी पत्तियां भी पीस कर बच्चों के सिर में लगाती रहेंगी हफ्ते में एक बार या 15 दिन में एक बार, तो वो भी जू को हटाने में, जू को कम करने में, जू को खत्म करने में बहुत अच्छा काम करती है। साथ ही ये रेमेडी तो है ही नंबर वन, इसको आप बिल्कुल यूज करिए अपने बच्चों के सिर में, अगर बड़ों के सिर में है तो बड़ों के सिर में, और फिर देखिए इसका कमाल कि कैसे ये सिर के सारे जुए निकाल कर आपको जुओं से छुटकारा दिलाएगी। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, साथ ही साथ इस रेमेडी को जरूर शेयर कीजिए जिनको की जरूरत है इस रेमेडी की, जिससे वो इसका फायदा ले सके। और अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आगे मैं जो हेल्थ और ब्यूटी टिप आपको बताने वाली हूँ आप उन्हें मिस ना करें। मिलती हूँ अगले वीडियो में किसी नई हेल्थ या ब्यूटी टिप के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।